नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ऑप्टिमिज्म के सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस ने खुलासा किया है कि वो आखिरकार बंद नहीं होगा। टीम ने खुलासा किया कि वे वेब थ्री गेमिंग स्पेस के एक प्रमुख खिलाड़ी ने इसमें प्रवेश किया है। ऑप्टिमिज्म पर सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस क्विक्स ने घोषणा की कि वे अपने मार्केटप्लेस को बंद नहीं करेगा। टीम ने 28 फरवरी को ट्वीट किया कि वेब थ्री गेमिंग स्पेस से एक प्रमुख खिलाड़ी शामिल हो गया था, जिससे मार्केटप्लेस बंद होने से बच गया। क्विक्स ने नवंबर 2022 में घोषणा की कि वह अपने मार्केटप्लेस को बंद कर देगा। क्लोजर की तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। टीम ने यूजर्स को रेस्क्यू के बारे में सूचित करने के लिए इसे अंतिम समय तक छोड़ दिया है। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया क्विक्स ने ऑप्टिमिज्म को चुना क्योंकि स्केलेबिलिटी बेनिफिट्स जो लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन ऑफर्स करते हैं। पॉपुलर एनएफटी प्रोजेक्ट्स जिन्हें क्विक्स पर जगह मिली है उनमें बोर्ड टाउन, ओलियंस, मोटोहेड्स और गैलन शामिल है। क्विक्स ने ERC-721 ब्रिज भी बनाया जो ऑप्टिमिज्म के डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। NFTs ने अपने लॉन्च के बाद से पॉपुलैरिटी में भारी उछाल का अनुभव किया, लेकिन 2022 में समय के साथ मार्केट में गिरावट भी देखी गई। क्विक्स इससे प्रभावित एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन यूजर्स राहत की सांस लेंगे कि मार्केटप्लेस का अस्तित्व बना रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेनाउंड ऑक्शन हाउस क्रिस्टी ने हाल ही में लगभग $450,000 की भारी कीमत पर एक और NFT डिजिटल और फिजिकल आर्टवर्क बेचा। 28 फरवरी को क्रिस्टी ने टाइलर हॉब्स के फिडेंजा #724 की नीलामी £365,400 लगभग $440,000 में करने की घोषणा की। ये पीस 999 NFTs के वाइडर कलेक्शन का हिस्सा है। क्रिस्टी ने इसे आर्ट हिस्ट्री और नेचर से इनोवेटिव कंप्यूटर कोड में इंस्पिरेशन देने के रूप में डिस्क्राइब किया। टाइलर हॉब्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हैं। जनरेटिव आर्ट आर्ट वर्ल्ड में एक नया पैराडाइम है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के इस्तेमाल के साथ पूरे या आंशिक रूप से बनाया गया है। हॉब्स अपने काम को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। क्रिस्टी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हॉब्स ने जून 2021 में रैंडम कोड जनरेटिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके फिडेंजा कलेक्शन बनाई। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए 999 NFTs को मिंट किया जो फ्लो फील्ड्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ऐसी इमेजेस जो स्पेस और टाइम पर एक फ्लूइड के डेंसिटी और वेलोसिटी को मैप करती हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज वाइपर के एक्विजिशन के साथ सैंडबॉक्स जर्मनी तक एक्सपैंड हो गया है। स्वाइपर हैमबर्ग जर्मनी में बेस्ड सीनियर लेवल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग और क्रिएटिव टैलेंट को द सैंडबॉक्स में जोड़ेगी, जो एक ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनी है और जिसका स्वामित्व एनिमोका ब्रांड्स के पास है। सैंडबॉक्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लिए मेटावर्स सोशल और गेम प्ले फीचर्स को एक्सपैंड करने का विचार है। स्वाइपर की स्थापना 2016 में हुई थी और इसे प्रमुख ब्रांड पार्टनर्स और इसकी सीनियर लेवल टैलेंट के साथ क्रिएटिव वर्क के लिए जाना जाता है। स्वाइपर सैंडबॉक्स में क्रिएटर्स के लिए नए सोशल फीचर्स, नए मल्टीप्लेयर गेम प्ले ऑप्शंस और नए गेम मेकर पॉसिबिलिटीज को जोड़ने पर काम करेगा। एग्निशियो कैपिटल ने ट्रांजैक्शन के संबंध में स्वाइपर के M&A एडवाइजर के रूप में काम किया और स्वाइपर की टीम में करंटली 40 मेंबर्स हैं जो हैमबर्ग में गेमिंग टेक हब में स्थित हैं और अब ये जर्मनी में सैंडबॉक्स के लिए हायरिंग कर रही है। ओवर टू यू संदीप। भोले वाले इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए हाल के वर्षों में ट्विटर पर क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स द्वारा एलोन मस्क की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्कैम आर्टिस्ट अक्सर फ्री ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अपने फ्रॉड्स चलाते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इनकी एक स्ट्रैटेजी सामने आई है जिसका इस्तेमाल ट्विटर फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं। वे पेड एडवर्टीजमेंट्स खरीद रहे हैं। इन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एलोन मस्क की तस्वीर लगाकर बड़े स्पेंडर्स को मार्स की ट्रिप या न्यूरालिंक ब्रेन चिप मिलने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि एड्स को एक पेज से भी लिंक किया गया है जिसमें न्यूरालिंक ब्रांडेड क्रिप्टो कॉइन को बढ़ावा देने वाले मस्क का एक डीप फेक वीडियो भी जारी किया गया है। बता दें कि मस्क ने इससे पहले बिटकॉइन और डॉज कॉइन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कभी भी न्यूरालिंक, टेस्ला, स्पेसएक्स या अपने किसी अन्य ब्रांड के लिए अपना कॉइन लॉन्च नहीं किया है। ट्विटर के पास इन फेक एडवर्टीजमेंट्स को रोकने के लिए फिलहाल कुछ ऑप्शंस नहीं है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
करोड़ों रुपए के मोबाइल गेमिंग ऐप ई नगेट्स घोटाले पर नए सिरे से कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी मंगलवार सुबह से कोलकाता के एक स्लम इलाके में छापेमारी कर रहे हैं। शंभुनाथ पंडित अस्पताल के सामने की झुग्गी बस्ती में छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि घोटाले के प्रमुख अभियुक्त आमिर खान द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बाद ईडी के जासूस कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं जिनके खातों को उन्होंने और उनके सहयोगियों ने क्रिप्टो करेंसी डीलिंग के लिए किराए पर लिया था और उन बैंक खाता धारकों को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी छापेमारी के बारे में पूरी तरह से चुप है। आमिर खान के कथित तौर पर इनगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसे जनता को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआती दौर में उपयोगकर्ताओं को कमीशन दिया गया, फिर उपयोगकर्ताओं का विश्वास प्रदान किया गया। इसके बाद अधिक कमीशन की लालच में उपयोगकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया। हालांकि जनता से अच्छी रकम एकत्रित करने के बाद ऐप से अचानक निकासी को किसी न किसी बहाने से रोक दिया गया और उसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।